और जुलाई मंथ में जो है लोबिया और गवार आप बो सकते हैं। जैसे कि आपको बताया है कि वो 6 महीने जो चारे हैं 4 महीने चल सकते हैं, उसी तरह जब चारा खत्म हो जाए तो आप जून और जुलाई मंथ में लोबिया और गवार को उगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चारा मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बकरियों के लिए चारा सबसे ज़रूरी है। अगर आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं या बकरी फार्म चला रहे हैं तो आपको पता होगा कि बकरियों में चारे का क्या महत्व है। अगर आप नया बकरी फार्म खोलना चाहते हैं तो बकरियां लाने से पहले उनके खाने की व्यवस्था कर लें, जैसे कि भूसा, ड्राई फोडर, ग्रीन चारा। अगर आप अभी बकरी पालन कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि किस मंथ में कौन सा चारा लगाना चाहिए तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको मंथ बाय मंथ जो है हर मंथ में आप किस मंथ में कौन सा चारा बो सकते हैं आपको डिटेल में बताएंगे कि आप इस मंथ में ये चारा बो सकते हैं और किस मंथ तक वो चल सकता है। तो हमने हमारे फार्म पे जो है अभी एक चारा मैनेजमेंट का चार्ट बना रखा है जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने हमारे फार्म पर एक चार्ट बना रखा है जिसे कि चारा मैनेजमेंट का चार्ट है, जिसका नाम हमने ओजस गोट फार्म फसल चक्र दे रखा है। तो आप देख पा रहे हैं हमने टोटल 12 महीनों में जितने तरह के भी चारे उगाए जा सकते हैं उस मंथ के मौसम के अनुकूल जो चारा है वही चारे को हमने उस मंथ में रखा हुआ है। तो हम बात करते हैं पहले नंबर का जो चारा आता है दिसंबर और जनवरी। तो दिसंबर और जनवरी में जो चारे उगाए जा सकते हैं उनमें सुपर नेपियर आता है, उसी में जो आप देखेंगे कि जौ, जई, बरसीम और रिचका, ये 5 तरह के जो चारे हैं ये दिसंबर से जनवरी के मंथ में आप इनको उगा सकते हैं जो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करते हैं। उसके बाद हम पहुंचते हैं फरवरी और मार्च के मंथ में। तो फरवरी और मार्च के मंथ में जो चारे हैं उसमें जो है पहले नंबर पर लोबिया आता है, फिर ज्वार और बाजरा, ये 3 तरह के चारे फरवरी और मार्च मंथ में आप उगा सकते हैं। अगले में हम चलते हैं अप्रैल और मई। अप्रैल मई में जो है हम लोबिया, ग्वार, ज्वार और बाजरा, ये 4 तरह के जो चारे हैं ये अप्रैल और मई के मंथ में उगा सकते हैं। आप जैसे आप देख रहे हैं कि फरवरी, मार्च और मार्च में भी तीनों चारे सेम है जो कि अप्रैल और मई में है, और जो है अप्रैल मई में जो नया चारा है वो है ग्वार। तो क्या होता है कि जब अपन चारा जो उगाते हैं जैसे लोबिया, ज्वार और बाजरा फरवरी मार्च में आपने उगाया, अब अगर आप उसे समय से पानी और खाद देंगे तो वो जो है अप्रैल और मई तक भी चलता है। तो इस हिसाब से आप अगर इन 2 मंथ में नहीं उगा सकते हैं तो इन मंथ में उन चारों को उगा सकते हैं, और अगर आप इसी मंथ में इस चारों को उगा लेते हैं तो वो अप्रैल से मई तक चलता है। और इन 6 महीनों में जो चारा सबसे कॉमन चारे हैं जो कि आप इन 6 महीने में कभी भी उगा सकते हैं या उन चारों को देख रेख अच्छे से करें तो इन 6 महीने तक वो चल सकते हैं। जैसे कि आप समय से पानी वगैरह देते हैं तो वो उनकी कटाई ज़्यादा बार ले सकते हैं। तो इन्हीं जो कॉमन चारे जो कि कुछ चारे एक जैसे हैं उनमें जो जई, बरसीम और रिचका, ये 4 तरह के जो चारे हैं ये आप 6 महीने में कभी भी उगा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं जून एंड जुलाई की तरफ। हाँ, जून और जुलाई मंथ में जो है लोबिया और गवार आप बो सकते हैं। जैसे कि आपको बताया है कि वो 6 महीने जो चारे हैं 4 महीने चल सकते हैं, उसी तरह जब चारा खत्म हो जाए तो आप जून और जुलाई मंथ में लोबिया और गवार को उगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगस्त और सितंबर में। तो अगस्त और सितंबर में जो चारे हैं लोबिया है, सेम, ग्वार, बाजरा और ज्वार, इसमें जो है 5 तरह के चारे हैं जो कि आप अगस्त से सितंबर के मंथ तक उगा सकते हैं। उसी के बाद अगर हम बात करें अक्टूबर और नवंबर की, तो अक्टूबर नवंबर में जो है अपना जितने भी जो चारे आते हैं उनके नाम आप इस तरह से देख सकते हैं, जौ, जई, बरसिम, रिचका और मक्खन घास, ये जो है 4 से 5 तरह के जो चारे हैं ये अक्टूबर से नवंबर के मंथ में इनकी उगाई की जा सकती है। अब आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे जो चारे हैं वो सेम है। अब वो सेम इसलिए है क्योंकि वो सभी मौसम के अनुकूल होते हैं और उन्हें किसी भी मंथ में उगाया जा सकता है। तो इस तरह से आप जो है 12 महीनों में जो चारे आपको मैं दिखा रहा हूँ वो सभी आप उगा सकते हैं और उसी मंथ के अनुकूल है वो चारे जो कि जिस मंथ में उन चारों को बांटा गया है। तो इस तरह से आप अपना एक फार्म पर चारा मैनेजमेंट चार्ट बना लें जिससे कि आप अपने जो है गोट फार्म अपने बकरियों के लिए हरा चारा 12 महीने तक उगा सकते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट के अंदर देख रहे हैं कुछ चारे के नाम ऐसे हैं जो कि कुछ बकरी पालक भाई, किसान भाइयों ने कभी सुने नहीं होंगे, तो उन चारों के बारे में पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं
तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आकर हमसे उसकी जानकारी ले सकते हैं और आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से हम लोगों ने चारा मैनेजमेंट एक बना रखा है, आप भी इस तरह से चारा मैनेजमेंट बनाकर अपने बकरी फार्म में चारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने आपको चारा मैनेजमेंट की पूरी जानकारी हम दे चुके हैं, तो इसी तरह से आप भी अपने गोट फार्म के लिए चारा मैनेज करें और बकरी पालन से जुड़ी हुई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।